हेलो, आपको स्क्रीन दिख रही है? हेलो, यस सर। यस सर। ओके। तो अभी तक हम लोग ओव्यूलेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या होगा? ओवा का ट्रांसपोर्ट किस लिए हुआ था? ओव्यूलेशन होने के बाद ओवा का ट्रांसपोर्ट किस लिए हुआ था? फर्टिलाइजेशन के लिए। ओवा का काम अब आगे क्या है? फर्टिलाइजेशन होना। और स्पर्म का भी ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है? स्पर्म प्रोडक्शन होने के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस चैप्टर में पढ़ाए थे, दोनों गैमिट का ट्रांसपोर्ट होगा, तब ना उसका साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पर दोनों गैमिट मिलेगा। क्योंकि द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट द साइट वेयर द गैमिट प्रोडक्शन इज अकरिंग। ओके, गैमिट प्रोडक्शन इज अकरिंग इन मेल वेयर इन टेस्टिस, बट इन फीमेल इन ओवरी। सो द गैमिट विल एंड दैट दोज गैमिट्स विल माइग्रेट और इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, तो द फर्टिलाइजेशन का साइट क्या क्या है? कहाँ 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 पर फर्टिलाइजेशन का साइट है? ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा तो एक्सटर्नल, एंड इफ द फर्टिलाइजेशन इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी देन इट इज कॉल्ड एज इंटरनल। ये सब तो आपको पता ही है पहले से। यस सर। तो जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तब भी जरूरत है दोनों गैमिट को, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों के बनने के बाद वह उसका ट्रांसपोर्ट हो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में भी और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी जरूरत है। क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये हो कहाँ रहा है? मेल के अंदर थोड़ी हो रहा है, ये हो रहा है फीमेल के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा था? ना मेल के अंदर हो रहा था ना फीमेल के अंदर हो रहा था, बाहर हो रहा था। इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर हो रहा है, तो फीमेल के अंदर हो रहा है तो फिर मेल गैमिट को भी फीमेल के अंदर जाने की जरूरत है, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो एक चीज आप लोग समझ लीजिए यहां पर कि दो तरह के एनिमल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट पाथवे ऑफ द यंग वंस इनटू द एडल्ट वन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, विविपेरस एंड ओविपेरस। ओविपेरस में कैसे एनिमल्स हैं? जिनमें एग बनने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद उस एग से यंग डेवलप हुआ, ठीक है। ये तो ओविपेरस में हो रहा है यंग डेवलप, बट हियर देयर द डिफरेंस कि ओविपेरस में एनिमल्स में इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों हो सकते हैं। देयर आर सम एनिमल्स व्हिच आर ओविपेरस बट द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। कौन से है वो? ओविपेरस है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले एनिमल्स सभी ओविपेरस ही है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हो रहा था, इनवर्टिब्रेट्स में हम देख रहे थे, और किस लोअर कोर्डेट्स में देख रहे थे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो इवोल्यूशन में पहले आया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमको किस में मिलता है? जब एनिमल लैंड पर रहना शुरू कर दिया तब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म डेवलप हुआ। जब तक एनिमल्स जो थे एक्वेटिक थे, मरीन लाइफ में थे या फ्रेश वाटर में रह रहा था एनिमल्स, ओके, तब उसमें फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल था। क्योंकि फर्टिलाइजेशन को
होने के लिए एक एक्वेटिक मीडियम चाहिए, एक्वेटिक मीडियम चाहिए तब ना उसमें स्पर्म तैरेगा, स्विम करेगा, एक्वेटिक मीडियम चाहिए। तो एक्वेटिक मीडियम या तो आपका बाहर में सी वाटर हो या फ्रेश वाटर हो, वो एक्वेटिक मीडियम बन जाए, या नहीं तो बॉडी का फ्लूइड, जैसे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने से पहले स्पर्म जो इजेकुलेट हुआ और फिर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में गया, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाने के बाद फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का जो बॉडी फ्लूइड है दैट असिस्ट द स्पर्म टू स्विम, दैट प्रोवाइड्स द एक्वेटिक मीडियम फॉर इट। सो इसके एक्वेटिक मीडियम के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पहले तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, लोअर जो एनिमल्स हैं इनवर्टिब्रेट्स एंड लोअर कॉर्डेट्स, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ। आप लोग एक चीज देखना, कंफ्यूज मत, जेड और एस का फर्क आप लोग समझते हो ना, फर्टिलाइजेशन कहीं देख रहे हो जेड है कहीं एस है, एस और जेड दोनों सही है, ब्रिटिश और इंग्लिश का फर्क है, ब्रिटिश इंग्लिश जेड और अमेरिकन इंग्लिश, जेड जो है अमेरिकन इंग्लिश है एंड एस इज ब्रिटिश इंग्लिश, एस जेड। तो कहां पर थे हम लोग, ओविपेरस एनिमल्स में जहां पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, वो कौन से एनिमल्स है, आपको हम बताए थे फ्रॉग के बारे में, एम्फीबिया के बारे में जिसमें स्पॉनिंग होता है, स्यूडोकोपुलेटरी होता है क्योंकि कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं है उनके पास, इंट्रोमिटेंट ऑर्गन नहीं है, तो मेल और फीमेल क्या करते हैं, फीमेल के ऊपर मेल जो है उसके बॉडी को बैक को कैस्प करता है, होल्ड कर लेता है एंड देन इट इनसेमिनेट एंड एट द सेम टाइम फीमेल ऑल्सो ऊजेज आउट द एग विच इज स्टोर्ड इन द यूटेराइन पोर्शन ऑफ इट्स ओविडक्ट, जहां पर 2001 बैठा हुआ है, आपको बताए थे क्लास में। ओके, तो ये तो हो गया आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो कि हम एम्फीबिया में देखते हैं एंड वी सी इन सम फिशेज ऑल्सो, कुछ फिश ऐसे हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो होता है बट दे आर वीवीपेरस। तो जरूरी नहीं है कि वीवीपेरस जो एनिमल्स हो उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही हो, सम एनिमल्स कुछ फिश होते हैं वीवीपेरस, शार्क जो है वीवीपेरस है लेकिन उसमें जो है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओके, तो वीवी कहने का मतलब हुआ कि जैसे इवोल्यूशन में आगे की तरफ चलते हैं, हम लैंड फॉर्म में आया तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्स, हम एग वाले चैप्टर में आपको एक मेंशन नहीं किए थे, क्ल्यूड आप दो तरह का एग होता है, एक तो एक वैसे वाले एग होते हैं जो कि आप सुने होंगे लार्वी और प्यूपी में डेवलप हो गया, तो उसके अंदर जो योक मटेरियल होता है दैट इज नॉट सफिशियंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फुल्ली ग्रोन एडल्ट लाइक इंडिविजुअल इंडिविजुअल, ठीक है, तो वो एग जो है आपका नॉन क्लीडोइक एग्स है, यानी वो एग जिसमें हैच करने के बाद लार्वी बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, फिर एडल्ट होगा, और ऐसा एग जिसमें पूरा ये योक मटेरियल है डेवलपमेंट होने के लिए और एडल्ट बन के निकलेगा, मतलब बच्चा जैसा निकलेगा बट दे लुक लाइक एडल्ट, जैसे मुर्गी का अंडा, बत्तख का अंडा, जो भी ये सब रेप्टाइल का एग हैच करने के बाद वो एडल्ट एनिमल निकला, तो वो है क्लीडोइक एग, यानी उसमें उस एग में वाटर न्यूट्रिएंट्स ये सब सफिशियंट है पूरा डेवलपमेंट के लिए उसका हैच होने, लेकिन जिसमें सफिशियंट नहीं है नॉन क्लीडोइक एग्स, जैसे आर्थ्रोपोडा का एग हुआ, जैसे ड्रोसोफिला का एग हुआ, ये सब जो एग है लार्वी प्यूपा एंड देन एडल्ट, तो ये सब आपको कहाँ मिलता है, ओविपेरस में ही, समझ रहे हो आप लोग। और ह्यूमंस में क्या है, हम ह्यूमंस क्या है, वीवीपेरस है, एडवांस फॉर्म है वीवीपेरस है एंड इन स्टिल एडवांस फॉर्म, यानी इवोल्यूशन हो रहा है और एडवांस आ गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी
पूरा यो पहले तो क्या हो रहा था, योग से अपना सारा मटेरियल ले रहा था, जैसे मुर्गी का अंडा इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद लिया, बट इन मैमल्स यूथेरियन मैमल्स फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड सब्सिक्वेंट एम्ब्रियोनिक एंड फीटल डेवलपमेंट अकर्स इनसाइड द यूटरस ऑफ द फीमेल, प्लासेंटा से उसका न्यूट्रिशन फीटस ले रहा है एक से न लेके। तो यहां पर ये है वीवीपेरस भी साथ में यूथेरियंस है एंड दे आर प्लासेंटल मैमल्स ऑल्सो। सो द इंडिविजुअल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड वीवीपेरस व्हाइल दोज दैट ले एग्स आर कॉल्ड ओवीपेरस। अब हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन। यहां तक क्लियर है आपको स्टूडेंट्स? यस। सो रहे हो या समझ में आ रही है कुछ? यस सर, यस सर। नाउ फर्टिलाइजेशन, अभी तक आप क्या देखे, फर्टिलाइजेशन क्यों जरूरी है? पहला तो ये दो कारण है, एक्टिवेशन जरूरी है, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनिशिएट्स ए सीरीज ऑफ चेंजेस इन द एग कॉर्टेक्स एंड एक्टिवेट्स द एग साइटोप्लाज्म बाय एनहांसिंग इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। डेवलप होना है पूरा यंग तो उसके लिए एग को एक्टिवेट करेगा, अगर फर्टिलाइज नहीं होगा एग तो एग विल, एग क्या होगा, मर जाएगा एग, डेथ हो जाएगा एग का। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही उसका आगे का जीवन शुरू होगा, नहीं होगा फर्टिलाइजेशन तो एग का डेथ हो जाएगा। सो एक्टिवेशन। एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस क्या कहते हैं, दो प्रो न्यूक्लियस का मिलना, स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको हम बोलते हैं प्रो न्यूक्लियस। क्यों न्यूक्लियस प्रो है, क्योंकि हैप्लॉयड है, और न्यूक्लियस जो है ह्यूमन का डिप्लॉयड होता है, ह्यूमन सेल का सोमैटिक सेल को डिप्लॉयड होता है, तो ये इट इज कॉल्ड एज प्रो न्यूक्लियस। मेल प्रो न्यूक्लियस, मेल प्रो न्यूक्लियस मिक्सेस एंड दिस इज कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लिया इज नोन एज एम्फीमिक्सिस। इट इज नॉट दैट एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट बिकॉज इवन द सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ए फीमेल प्रोन्यूक्लियस मेक कंट्रोल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉयड एम्ब्रियो। कहने का मतलब हुआ, आपको पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, सेम सेट ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन बोथ क्रोमोसोम्स, तो एक सेट ऑफ जीन इज जो है वो भी सफिशियंट है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ये हम डिप्लॉयड में देखने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि वो वहां पर चेक लगा के रखा हुआ। अनलेस एंड अनटिल जीन इज प्रेजेंट इन द होमोलोगस कंडीशन इट विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड, बट इन सम एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, ओके, रोटिफर्स, क्रस्टेशियंस, वी सी ए फेनोमेनन कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस इन विच वी सी द डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉयड एम्ब्रियो। यानी मेल प्रो न्यूक्लियस ही पूरा एक डेवलप कर जाता है एडल्ट में। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रो न्यूक्लियस सफिशियंट है फॉर द डेवलपमेंट, बट एम्फीमिक्सिस इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डिप्लॉयड कंडीशन ऑफ द एडल्ट। अगर एडल्ट हैप्लॉयड है, जैसे कि आपका वर्कर बीज आप देखे होंगे, सुना होगा नाम आपने वर्कर बीज, हनी बीज में वर्कर बीज, क्वीन बी, ठीक है, वर्कर बीज आर हैप्लॉयड। सो ये सब जो है इंसेक्ट्स में हैप्लॉयड, रोटिफर्स, क्रस्टेशियंस, ये सब भी, रोटिफर्स क्या है, अर्थ्रोपोड्स है, क्रस्टेशियंस क्या है, ये भी अर्थ्रोपोड है, ठीक है, क्रस्टेशियन अर्थ्रोपोड है ना कि मोलस्क है, वन सेकेंड आई confusing, crustacean, arthropods, arthropod का class, crustaceans are arthropods, तो ये सब में हम देखते हैं कि haploid ही पूरा develop कर जाता है adult one में, and this process is called as parthenogenesis, but amphimixis is required for the diploid, तो ये दो purpose है, activation and amphimixis, fertilization का। अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन होता कैसे, मैकेनिज्म, तो इसको हम पांच स्टेप में पढ़ सकते हैं फर्टिलाइजेशन को। पहला क्या है, जर्नी
journey of sperm to ova और final step क्या है उसका amphimixis, ठीक है। इस ova तो एक जगह पड़ा हुआ है, स्थिर है, fallopian ovulation हुआ, उसके बाद infundibulum से collect होके आपका fallopian tube में ova is resting and waiting for the sperm. So अब sperm जो है वह अपना जर्नी स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, फर्स्ट क्या है उसका स्टेप क्या हुआ, अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा। अब जाने के क्रम में वो स्पर्मेटोजोआ किधर है उसकी तरफ वो अपना मुंडी घुमाएगा, तभी ना उसकी तरफ जाएगा, उल्टा दिशा में तो जा नहीं सकता है, उल्टा दिशा में जाएगा तो नहीं पहुंचेगा। तो अप्रोच उसका सही होना चाहिए, यानी स्पर्मेटोजोआ का जो डायरेक्शन है वो उस डायरेक्शन में चले जिस डायरेक्शन में ओवा प्रेजेंट है। ओके, तो स्पर्मेटोजोआ इज माइक्रोस्कोपिक, आपको आंख से नहीं दिख सकता है, आपको माइक्रोस्कोप्स की मदद से स्पर्मेटोजोआ दिखेगा। एंड ओवा इज रेस्टिंग वेयर इन द फेलोपियन ट्यूब, और जब कोकुलेशन हुआ इन द केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सपोज इन रेप्टाइल्स और इन मैमल्स और इन बर्ड्स, तो स्पर्मेटोजोआ इज डिपॉजिटेड वेयर इन द वेजाइनल कैनाल और यू कैन से इन वेजाइना और एट द टिप ऑफ द सर्विक्स, एंड फ्रॉम देयर इट विल ट्रेवल टू द फेलोपियन ट्यूब, द डिस्टेंस इज सेवरल सेंटीमीटर्स। सो and the spermatozoa is microscopic. So for the spermatozoa, this distance is huge. For you, it may not look like a great distance, ठीक है, because you are not microscopic, you are macroscopic. आपको देखने के लिए microscope की जरूरत नहीं है, आप बड़े हो, आप बड़े animals हो. But spermatozoa is microscopic, और ये distance है several centimeters. तो फॉर स्पर्मेटोजोआ दिस डिस्टेंस इज ह्यूज, जैसे आपको कह दे कि पैदल जाओ पटना, यहां से चलते चलते पटना जाओ, तो स्पर्मेटोजोआ के लिए ही लगभग उतना ही के डिस्टेंस है। सो उसका अप्रोच सही होना चाहिए स्पर्मेटोजोआ का, दैट्स व्हाई स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड इन लार्ज नंबर, सो दैट एटलीस्ट सम और फ्यू और एटलीस्ट वन स्पर्मेटोजोआ get successful penetrating the ova or it becomes successful. Millions of spermatozoa mein at least ek sperm success ho jaye egg ko penetrate karne mein, yahi maksad hai, theek hai. To approach of is, to second step is capacitation and contact. C, capital C. कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट, आपको याद हो अगर स्पर्मेटोजेनेसिस जब हम पढ़ाए थे आपको, तो हम बताए थे कि कैपेसिटेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, ओके, इन मैमल्स, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में कैपेसिटेशन प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड। कैपेसिटेशन क्या है आगे के सेक्शन में हम देखेंगे, मतलब मोटा मोटी आप समझ लो कि एक ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन इज सीक्रेटेड फर्स्ट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म एंड इट इज प्रेजेंटेड ओवर द सर्फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी फर्टिलाइजिंग एंड देन द कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज आर रिमूव्ड फ्रॉम दैट प्रोटीन, यानी उसका डीग्लाइकोसाइलेशन हुआ, ओके, ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द स्पर्म सरफेस एंड देन इट इज ग्लाइको डीग्लाइकोसाइलेटेड विद द इन द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड देन by this time
when this sperm protein molecules, glycosylated protein molecules, which are present on the sperm cell surface, is deglycosylated by the action of the seminal fluid from the seminal vesicles. तो glycosylated protein कब था? जब epididymis से निकला तब. आप लोगों को हम सब पढ़ाएं बताएं. Epididymis में क्या modification हुआ था? Epididymis के tail region में store रहा था, middle region और region में उसका glycosylation हुआ था protein का, spermatozoa के surface protein का, जो कि उसको short में हम लोग anti-fertilizing भी बोलते हैं. तो उसका क्यों एंटी फर्टिलाइजिंग बोलते हैं कि जब तक ये ग्लाइकोसाइलेटेड है तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता. इस बात को आप लोग समझ लो. आगे क्या हम सेक्शन में दिखाएंगे. जब तक ग्लाइकोसाइलेटेड है एंटी फर्टिलाइजिंग इज अ सरफेस ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द स्पर्म सेल सरफेस. ग्लाइकोसाइलेटेड मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल विच आर बाउंड टू द कार्बोहाइड्रेट मोइटीज और सुगर लाइक ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्यूकोज मैनोज. तो इस तरह के ग्लूकोज सुगर से अमाइनो एसिड्स आर बाउंड. मतलब अब क्या है, ये ग्लाइकोसाइलेटेड है प्रोटीन. तो इपीडीडाइमल रीजन में प्रोटीन्स आर ग्लाइकोसाइलेटेड इन द ग्लाइकोसाइलेटेड स्टेज. वंस द sperm is released or it gets out of the epididymal region or the tail region of the epididymis where it is stored, okay, during the time of the ejaculation, and when it mixes with the fluid from the seminal vesicles, then the deglycosylation happens. Yani ab jo carbohydrate molecules hain, glucose, mannose, okay, fucose, fructose, present on the protein molecule, they will dissociate. After the dissociation of the carbohydrate molecules, this creates an empty space which fits into the fertilizing molecule present in the zona pellucida or on the egg plasma membrane. ये हम लोग आगे चल के देखेंगे. Fertilizing and anti-fertilizing का यहाँ पर second वाले step में होता है interaction. ठीक है, capacitation process complete हो जाता है जब. तब capacitation process complete होने का मतलब है कि आपका sperm के ऊपर जो anti-fertilizing है वो पूरा डीग्लाइकोसाइलेट हो गया और फर्टिलाइजिंग जो है वो एग मॉलिक्यूल एग के मेम्ब्रेन के ऊपर होता है या जोना पेलिसुडा के अंदर में होता है, वो भी हैवीली ग्लाइकोसाइलेटेड होता है. तो इसके डीग्लाइकोसाइलेशन की वजह से एंड फर्टिलाइजिंग के ऊपर जो ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन है वो दोनों फिट हो जाता है लाइक लॉक एंड की. अगर स्पर्म के ऊपर भी फर्टिलाइजिंग स्पर्म के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिन अगर ग्लाइकोसाइलेटेड रहता तब वह फिट नहीं होता एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तब वह इंटरैक्ट नहीं करेगा. ठीक है, स्पर्म हेड के ऊपर सेल सरफेस पर, फिर से बता रहे हैं आगे हम बताएंगे अभी समझ लो आप, एंटी फर्टिलाइजिन अगर ग्लाइकोसाइलेटेड है तब वह फिट नहीं होगा. Fertilizing molecule which is present on the plasma membrane of the egg, अगर उसको deglycosylated कर देते हैं तो वहां से glucose, fructose, mannose जो carbohydrate residues हट जाने की वजह से जो space create हुआ उस space में fit हो जाता है fertilizing molecule का glycosylated residue. Fertilizing molecule को deglycosylate नहीं करते होता है, fertilizing molecule remains glycosylated. एंड एंटी फर्टिलाइजिंग जो है वो डीग्लाइकोसाइलेट होता है. जब स्पर्म नया नया बना उस समय वह ग्लाइकोसाइलेटेड है, यानी ऊपर से सील है, वो सील लगा हुआ है किसी के साथ, वो फर्टिलाइज तब तक नहीं कर सकता जब तक कि डीग्लाइकोसाइलेटेड. तो ये एंटी आपका फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन इज ए स्पीसीज स्पेसिफिक. सो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ
mechanism or the control mechanism or the regulatory mechanism, you can say, where the species specific fertilization is ensured. कहां पर आपका capacitation, capacitation जब हो रहा है तभी, क्योंकि anti fertilizing और anti fertilizing interaction is species specific. उसके बाद होता है acrosomal reaction and penetration. Capacitation होने के बाद जब fertilizing anti fertilizing reaction हो गया, अगर anti fertilizing fertilizing reaction नहीं होगा तो acrosomal reaction भी नहीं हो सकता है. आप लोगों को मैंने पढ़ाया था उसी समय, sperm जब बता रहा था, जब cortical reaction बताया था, ठीक है ना, cortical reaction ये सब सब इसी में आएगा. अभी आगे पढ़ोगे फिर से, yes, ठीक है, cortical reaction. acrosomal reaction क्या हुआ? acrosome sperm का structure अगर याद हो तो आपको याद होगा कि acrosome vesicle होता है. एक्रोसोम वेसिकल के अंदर एक एक्रोसोमल ग्रेन्यूल होता है. एक्रोसोमल ग्रेन्यूल जो है, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल आर रिच इन लाइटिक एंजाइम्स और लाइटिक एंजाइम्स. तो लाइटिक एंजाइम्स क्या करता है? लाइटिक यानी लाइसिस करता है ऑफ व्हाट? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स का लाइसिस करता है. तो एक्रोसोम के अंदर देयर आर प्रेजेंस ऑफ द लाइटिक एंजाइम्स. वंस द कैपेसिटेशन प्रोसेस इज फिनिश्ड, then the acrosomal reaction starts. Means acrosomal membrane fuses with the plasma membrane of the egg, as a result of which acrosomal granule oozes out of the acrosomal vesicle and it releases or it the contents of the acrosome comes out and it encircles the egg. It doesn't go inside the egg. आप लोग confused मत होइएगा. Acrosome से जो granule निकला, secretion निकला acrosomal granule से, acrosomal membrane, plasma membrane से जब fuse हो गया, तब वो acrosomal content जो है वह plasma membrane के चारों तरफ फैल गया, बिखर गया. जैसे शिव जी के ऊपर दूध ढारते हो तो चारों तरफ फैल गया, है ना, इन्हें कि अंदर में चला गया शिवलिंग के अंदर, वो चारों तरफ फैल, उसी तरह एक्रोसोम के अंदर का कंटेंट जो है एग के चारों तरफ ऐसे फैल गया, ठीक है. उसके बाद जब फैल गया तब जो है पेनिट्रेशन स्टार्ट होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पेनिट्रेट करना स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ ओवम स्टार्ट होता है, पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है. एक्टिवेशन ऑफ ओवम में हम लोग पढ़ेंगे कॉर्टिकल रिएक्शन वगैरह, ठीक है. उसके बाद एम्फीमिक्सिस होता है, जो रिजल्ट ऑफ लास्ट स्टेप. एम्फीमिक्सिस इज जस्ट ए सिंपल स्टेप जिसमें कि दोनों प्रोन्यूक्लियाई जो है मिक्स हो गया, मिक्सचर मिक्स मिल गया. तो दिस इज, तो वन बाय वन हम लोग एक एक स्टेप्स को पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि यह जो टॉपिक है आपका सिलेबस वाइज ये है मॉलिकुलर इवेंट्स. क्या है, क्या है उसमें लिखा हुआ? मॉलिकुलर इवेंट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है. तो ये सब ये मॉलिकुलर सब जो अभी हम बता रहे हैं सब मॉलिकुलर इवेंट्स ही है ना. नहीं तो ये कैसे समझोगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं बताएंगे तो सब मॉलिकुलर इवेंट्स ही है. मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन ये सब एक्सपेक्टेड है आपको जानना कैसे हो रहा है. कैपेसिटेशन अब हम आ रहे हैं, सबसे पहला देख रहे हैं अप्रोच. अप्रोच क्या है? सिंपल. अब वो अपना उस स्पर्म जो है एक ही ऊपर की तरफ ही जाएगा, उल्टा तो जाएगा नहीं, बाहर तो निकलेगा नहीं, तो अप्रोच उसका सही होगा सबसे पहली बात, ठीक है. तो इसमें हम क्या देखते हैं? एक्चुअली देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस, ठीक है. हम लोग के पास एविडेंस बट कुछ एनिमल्स में हम लोग देखते हैं ऐसा, ठीक है, आगे हम बताएंगे. देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस कि स्पर्म को पहले से पता चल जाता है कि उधर उस साइड में उतनी दूर में एग है और हमको उतना दूर ट्रेवल करना है, और उतना दूर ट्रेवल करने के बाद उस लोकेशन पर पहुंचेंगे तब हमको एग मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है.
then the male and female gametes are produced either in separate parents of bata chuke hain parents or in separate organs. The female gamete is immobile while the male gamete is mobile. Fertilizability and viability of gametes are often limited, varying from a few minutes to few hours. Ha, ye aap samajhiye, important point. या आप देखेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जहां जहां एक्सटर्नल, याद रखिएगा, जहां जहां एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है वहां पर स्पर्म का जो वायबिलिटी है बहुत ही थोड़ी देर के लिए, यानी फ्यू मिनट से फ्यू आवर्स के लिए, अगर उतने देर में फर्टिलाइजेशन, इसलिए जरूरत है कि जल्दी से जल्दी उसका फर्टिलाइजेशन हो जाए, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज हार्स, ठीक है, क्योंकि अगर एनिमल जो है अगर मरीन वाटर सी में रह रहा है, फ्रेश वाटर पानी में रह रहा है, तो भी पानी तो बहुत ज्यादा है, वो धीरे धीरे उसको वॉश आउट कर देगा, ओके, इट विल बी डाइल्यूटेड. सो स्पर्म, रिलीज्ड स्पर्म आर हैविंग लेस टाइम, आर हैविंग लेस टाइम टू फर्टिलाइज द एग. सो दिस टाइप ऑफ सीन वी सी इन external fertilization. Eggs of aquatic animals with external fertilization survive only for a few minutes, and in case of animals with internal fertilization for a few hours. Internal fertilization में क्या होता है, जैसे मान लो मुर्गी है, hen, hen में क्या करता है, hen जो है मुर्गा और मुर्गी जब copulation करता है तो during copulation ovulation नहीं होता है, copulation पहले हो जाता है, तो मुर्गी जो है थ्रू स्पेशल पाउचेज, उसमें डक्ट्स होते हैं जिसमें वो स्पर्म को स्टोर कर लेता है, और जब ओव्यूलेशन होता है जिसमें योक जो है वहां पीडिसिल से टूट कर निकल करके रप्चर करके स्टिग्मा के थ्रू वह जब इनफंडिबुलर पॉकेट में गिरता है, उसके बाद जब वो भी डक्ट में आता है, उसके ग्लैंडुलर पोर्शन में आने से पहले ही जब इनफंडिबुलर पॉकेट में ही रहता है, उसी समय स्पर्म जो है फर्टिलाइज कर देता है एग को, और उसके बाद वो ओविडक्ट में आगे बढ़ता है, फिर एल्बुमिन चारों तरफ लपटाता है, फिर उसका फिर सेल मेम्ब्रेन हुआ, फिर सेल हुआ, ऐसे होता है उसमें, ठीक है. तो वहां पर क्या है, स्पर्म को कलेक्ट कर लिया एंड दे स्टोर द स्पर्म फॉर मंथ्स और वीक्स, दे कैन स्टोर. तो ये देखते हैं ह्यूमन के केस में 24 आवर है, बैट में 3 to 4 months है, हनी बी में सेवरल मेनी मंथ्स है, रख सकते हैं, स्पर्म का लाइफ टाइम है, तो उसको ओवा तक पहुंचाने में इसका लाइफ टाइम जितना ज्यादा रहेगा ओवा तक पहुंचने में उसको ज्यादा चांस मिलेगा. अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है लाइफ टाइम कम है, जल्दी से जल्दी ओवा तक पहुंचने की जरूरत है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ओवा और स्पर्म दोनों एक ही साथ वहीं के वहीं कर दिए जाते हैं, तो उसमें माइग्रेशन ऑफ गैमेट वही हो गया. क्यों, क्योंकि इस इनर्जी इन स्पर्म इज लिमिटेड, ये भी आप लोग याद रखना ध्यान, स्पर्म का एनर्जी लिमिटेड है, कोई सप्लाई इसको बाहर से नहीं मिल रहा है, जितना पैक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया इसमें या ग्लूकोज मॉलिक्यूल उतना पैक हो गया, या सीमेन में जितना आपका ग्लूकोज है फ्रुक्टोज है सीमेन के अंदर, वो लिमिटेड है, यूज्ड अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाहर से उसका कोई कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं है. लेकिन एग के केस में ऐसा नहीं है, एग में जो है सब कंटिन्यूअस सप्लाई है, बिकॉज एग इज इनसाइड द फॉलिकल, योक जो है सिंथेसिस हो रहा है, बन रहा है योक, ओके, तो एनर्जी इज लिमिटेड. कॉन्सिक्वेंटली द मेजर प्रॉब्लम इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ब्रिंगिंग टूगेदर द राइप ओवा एंड स्पर्म. तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि राइप ओवा पूरा मैच्योर एग हो और मैच्योर स्पर्म हो, दोनों साथ में आ जाए एक साथ, जिसमें स्पर्म भी मैच्योर हो, यानी फुल्ली हेल्दी स्पर्म हो, फुल्ली रिडन विद द एनर्जी, और उस समय ओवा भी राइप हो, दोनों एक साथ हो. इसके लिए ये पूरा मेहनत है. अब जो है अभी ये क्लास लग 2-3 सेकंड में एंड, दस अब आगे हम लोग पढ़ेंगे. इसमें दो तरह का
अप्रोच में मदद हो सकता है ओभा के लिए, एक तो मैकेनिकल है, दूसरा केमिकल है, ओभा तक किसी केमिकल की मदद से पहुंचाया जाए और दूसरा है किसी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से पहुंचाया जाए। तो केमिकल अट्रैक्शन, थोड़ी देर पहले हम फर्टिलाइजिंग बता रहे थे, फर्टिलाइजिंग एक्चुअली हम लोग ये जो है पढ़ेंगे कैपेसिटेशन में, यहां पर ऐसे जिक्र कर दिए फर्टिलाइजेशन का। बट ए सब्सटेंस लाइक फर्टिलाइजिंग, पहले सोचा गया था कि देर जैसे फेरोमोन्स होता है, तो फेरोमोन्स तो हवा में रिलीज करता है इंसेक्ट, तो फेरोमोन्स तो गैसियस स्टेट में है, तो उसका मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट बहुत दूर दूर तक फैल सकता है किलोमीटर्स तक, तो फीमेल जो है अट्रैक्ट हो सकती है फेरोमोन्स के थ्रू। बट हियर द कंडीशन इज इन लिक्विड मीडियम और फर्टिलाइजिंग, तो लिक्विड मीडियम में यहाँ पर